शोज का हिस्सा रहे हैं गौतम गुलाटी, और उनके पॉपुलर शो में से एक रहा है बिग बॉस भी, जिसके एक सीजन के विनर भी वो रह चुके हैं। तो वहीं कैसे अब वेब सीरीज की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है, और ऑपरेशन ओपेरा जो कि रोसनाओ की वेब सीरीज है उस पर कैसे वो नजर आएंगे आपने जाना होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, बिग बॉस फेम गौतम गुलाटी हाल ही में नजर आए वेब सीरीज ऑपरेशन कोबरा पर बात करते हुए। अब उन्होंने क्या कहा रोज नाउ की इस वेब सीरीज के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। ओके, तो गौतम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेब सीरीज के साथ में रोज नाउ की वेब सीरीज के साथ में आ रहे हैं ऑपरेशन कोबरा। जी जी जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या है ये वेब सीरीज, किस तरीके का किरदार है आपका? बेसिकली आई एम प्लेइंग एन एजेंट जिसका नाम है करण सिंह, एंड वो एक मिशन पर निकला है जो कि उसको सॉल्व करना है, एंड ही इज़ अ वेरी कूल गाय, वेरी बिंदास एंड अ बिट सीरियस, बट एट द सेम टाइम लाइक वेरी वेरी हार्डकोर इनटू एक्शन। इफ यू मेस विद हिम ही इज़ गोना लाइक स्ट्रेट अवे लाइक किल यू, और ही विल जस्ट किल यू एक्चुअली, बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले विद द गन्स। या ओके, तो ये तो हुई आपकी बात। ऑपरेशन कोबरा क्या है ये एग्जैक्टली? इट्स अ मिशन वेयर जहाँ पे हम पूरी डिटेल तो आपको दे नहीं सकते, बट ये कि इफ़ यू विल सी प्रॉपरली लाइक शुरू से लेके एंड तक, तो धीरे 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 उसके राज खुलेंगे कि ऑपरेशन कोबरा एग्जैक्टली है क्या। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ मिशन वेयर यू गेट टू सी लॉट ऑफ टेररिस्ट, lot many terrorists, and where they have a plan, and how this guy gets in, and it's kind of very easy for him to get into everything and solve the mission. So twists or turns isme bahut sare, so agar aap wo sab dekhenge to aapko maza aayega, you'll enjoy. Okay, as you said ki action packed hai, ji, to uske liye taiyari kitne time pehle se chalu thi? Ha, kuch aise लाइक आई थिंक एक महीना मुझे लगा था। आई रिमेम्बर मैंने जब ये शूट कर रहा था मैं, तो उससे एक महीना पहले मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। सो देन आई वॉज डूइंग सम फाइटिंग ट्रेनिंग, एंड वहाँ ठंड इतनी होती थी कि लाइक लंदन में पूरा इसका शूट किया है, तो उस टाइम पर पूरा यू नो उसी मौसम में आई हैड टू बी देयर टू ट्रेन ओवर देयर, सो दैट यू नो एट द टाइम ऑफ शूटिंग आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, एंड it was a bit tough because it was -1, and you won't believe even when we shot the songs and stuff, so I was without my t-shirt. Okay. And many people almost were crying over there, like when to go home and stuff like that. Imagine I was shooting over there for 4 to 5 hours back to back without my t-shirt, and it was -1 or -2. सो काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी उसके लिए, माय डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ा। 2 महीने 2.5 महीने में आई थिंक वहाँ पे था, सो बैक टू बैक बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की, एंड इफ़ यू विल सी द मूवी और आई मीन लाइक द वेब सीरीज इज यू लाइक इट, यू लाइक द रिजल्ट, यू विल सी अ डिफरेंट, यू विल सी अ डिफरेंट गाय, लाइक हाउ यू मस्ट हैव सीन मी इन बिग बॉस. So basically you'll see a totally different guy who is an agent, so maybe you'll like it. Okay, jab matlab hum is tarike ka kirdaar karte hain, especially officer ho gaya agent kisi ka, ji. So hame ek process rehta hai, ek you know research rehta hai jisse jana padta hai, to aap iske through gaye the? Of course, like had to think a lot like what to do when I got the script. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा मस्त आदमी हूँ, बड़ा कूल हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ, और लाइक तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो मैंने पढ़ी, स्टार्टिंग के इसके 8-10 सीन पढ़े मैंने, सिनॉप्सिस मैंने पढ़ ली थी इसकी, सो उसके बाद मुझे लगा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो आई यूज़ टू सिट विद द डायरेक्टर, यूज़ टू डिस्कस विद हिम, आई सेड यस फॉर इट अर्लियर आफ्टर रीडिंग द सिनॉप्सिस. And the moment I started reading the scenes, I could feel it.
that okay, this is something which I could do, like I could pull it off. So that's where like I started sitting with the director, started discussing my scenes with him. Huh? Yeah, so I started discussing my scenes with him. And slowly, jaise director saab mujhe bolte rahe, so I basically did exactly what the director told me. Okay. And what made you choose the script? I really thought it is kind of easy for me. Okay. Because isme thoda sa, like, they needed a bit of bond, and they needed a bit of a funny guy. Okay. At the same time, a kameena guy. So they wanted like a couple of characters in one role. So that's where I was like, this is something different for me to do, and I wanted to pick this up. So the moment I started working on this, mujhe scenes karne mein bada maza aata tha. Jabki maine starting mein jo scenes padhe the, wo English ki script aayi thi mere paas. Fir dheere dheere, once you read the whole script, no? Then you totally get into it, then you don't read the script. You just behave like that character. And it was kind of easy for me. So whatever the director used to tell me, you just tell me like, this is the situation, I would just do it like naturally. So it was like that. So it was kind of fun to shoot Operation Cobra. Hello and welcome in Next 9 News. मैं हूं आपका होस्ट रियादव. स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास पेशकश में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑपरेशन ओपेरा को लेकर गौतम गुलाटी काफी ज्यादा खबरों में हैं और इसको लेकर क्या बातचीत की है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको।